अगर किसी अहले किताब में से किसी शख्स से कसम लेने का मामला हो तो उससे कसम कैसे ली जाएगी। आइए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस में मौजूद एक वाकया सुनते हैं और उससे रहनुमाई लेते हैं कि अगर अहले किताब से कभी कसम लेनी पड़ जाए तो उसे किन अल्फाज में कसम ली जाए। एक यहूदी को गुजारा गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से इस हाल में कि उसका मुंह काला था और उसे कोड़े लगाए गए थे। आपने उनके उलमा को बुलाया और उनसे सवाल किया, हाकदा तजिदून हद ज़ानी फी किताबिकुम, क्या ज़ानी की तुम अपनी किताब में यही सजा पाते हो? तो उनके उलमा ने कहा कि जी हमारी किताब में यही सजा है। तो आपने कहा अपनी किताब लेकर आओ। वो किताब लेकर आए, उन्होंने चाहा कि उस आयत को छुपा लिया जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ जो जुमले कहते हुए बात का आगाज किया, उन जुमलों पे गौर कीजिए, अनशुदु क्या बिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल तौरात अला मूसा अहाकदा तजिदून हद ज़ानी फी किताबिकुम, मैं तुम्हें उस अल्लाह की कसम देता हूं जिस अल्लाह ने मूसा अलैहि सलाम पर तौरात नाजिल की, क्या तुम्हारी किताब में ज़ानी की यही सजा है? तो वो ये जुमले सुनकर कहने लगा, नहीं, और अगर आप मुझे ये कसम ना देते तो मैं ये बात कभी ना बताता। आपने मुझे इतनी बड़ी कसम दी है कि उस जात की कसम जिसने मूसा अलैहि सलाम पर ये किताब नाजिल की, ये आप मुझे कसम ना देते तो मैं आपको सही बात ना बताता, लेकिन चूंकि आपने मुझे ये कसम दी है तो मैं सही बात बताता हूं कि हमारी किताब में ज़ानी की ये सजा नहीं। लेकिन जब हम किसी इज्जतदार को पकड़ते हैं तो उसको इसी तरह मुंह काला करके दुर्रे मार के छोड़ देते हैं, और जब किसी कमजोर को पकड़ते हैं तो उस पर हद लागू करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर ज़ानी की सजा को लागू किया और फिर फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी अव्वलु मन अहया अमरका इदा अमातूह, ऐ अल्लाह मैं वो पहला शख्स हूं जिसने तेरे हुक्म को जिंदा किया जबकि इन्होंने उस हुक्म को मुर्दा कर दिया था, फिर आपने उसके रजम करने का हुक्म दिया। तो अगर अहले किताब में से कसम लेने का मामला आ जाए तो उससे इन अल्फाज से कसम ली जाए। अल्लाह हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए।